हेलो फ्रेंड्स, आज आप लेक्चर नंबर फर्स्ट दे विच द लिविंग वर्ड बारे पढ़ लगे हैं। सब तो पहला आप पढ़ते हैं लाइफ की हुंदी है। लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस विच एग्जिबिट केमिकल रिएक्शंस एंड दीज केमिकल रिएक्शंस लीड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लाइफ की है, लाइफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस का कॉम्पलैक्स कंपोजिशन है जेडे मिलके की करते हैं केमिकल रिएक्शंस करते हैं, तो इन्होंने केमिकल रिएक्शंस के करके ग्रोथ से डिवेलपमेंट होंगी है। नैक्सट है अपने को वट आर लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स की होंगे ने, दीज आर दो स्ट्रक्चर्स विच एग्जिबिट पर्टिकुलर करैक्टर्स लाइक। ये वह स्ट्रक्चर्स ने जिन्हों के कुछ पर्टिकुलर करैक्टर्स होंगे ने, लाइक ग्रोथ, डिवेलपमेंट, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रिस्पोंस, अडेप्ट अकॉर्डिंग टू देयर इनवायरमेंट। यही करैक्टर्स ने अपने को ग्रोथ, ये ग्रोथ कर सकते हैं, इन्हों की डिवेलपमेंट होंगी है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये एक्सक्रीट कर सकते हैं वेस्ट मटीरियल्स, वेस्ट मटीरियल में एक्सक्रीट कर सकते हैं, ये रिस्पोंस देंगे स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, तो आपके इनवायरमेंट के अकॉर्डिंग यही अडेप्ट कर सकते हैं। लिविंग्स हैव पर्टिकुलर शेप एंड साइज। लिविंग्स का पर्टिकुलर शेप तो साइज होंगे, हाउ एवर पर्टिकुलर शेप एंड साइज इज ऑलसो प्रेजेंट इन नॉन लिविंग्स। नॉन लिविंग्स के भी पर्टिकुलर शेप तो साइज पाई जाती है। सो वी कैनोट डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स फ्रॉम अ सिंगल करैक्टर। तो इस करके आप लिविंग्स से नॉन लिविंग्स में एक सिंगल करैक्टर, सिंगल करैक्टर केड़ा शेप ते साइज दे बेस ते आपां उन्हां नूं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो सो देयरफॉर अ नंबर ऑफ करैक्टर्स आर एग्जामिन्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आपां नूं एक तो वध करैक्टर्स चाहिए ने लिविंग्स ते नॉन लिविंग्स नूं डिफरेंशिएट करन दी। सब तो पहला करैक्टर है अपने कोले प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इट इज़ अ क्रिस्टेलोकोलाइडल सोल्यूशन। प्रोटोप्लाज्म क्रिस्टेलोकोलाइडल सोल्यूशन है। इट इज़ अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यह फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ में शो करता है, मतलब लाइफ दिनिया भी कैमिकल रिएक्शनस ने वह सारिया कितने होंगे ने प्रोटोप्लाज्म होंगे। इट मीनस ऑल लिविंग रिएक्शनस अकर इन प्रोटोप्लाज्म। इना मतलब की है कि जिन्या भी लिविंग रिएक्शनस ने वह सारिया कितने होंगे प्रोटोप्लाज्म के होंगे। तो प्रोटोप्लाज्म क्रिस्टेलोकोलाइडल, इनका मतलब की है, सब तो पहला आप पढ़ते हैं क्रिस्टेलो का मतलब है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन पार्ट कि तो बनया सॉल्ट प्लस वाटर। जोड़ा प्रोटोप्लाज्म बहुत सारा वाटर होंगे तो बहुत सारे सॉल्ट्स पाए जाते हैं। कोलाइडल पार्ट जो प्रोटोप्लाज्म का वह प्रोटीन होंगे, तो इन्हों तो मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनता। ओनली लिविंग्स कंटेन्स प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म इज द मेन करैक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स। सिर्फ लिविंग्स से ही प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म मेन करैक्टरिस्टिक है लिविंग्स की। नॉन लिविंग्स के प्रोटोप्लाज्म नहीं देखने को मिलता। सैकेंड करैक्टर अपने को शेप एंड साइज। बोथ लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स हैव पर्टिकुलर शेप एंड साइज। लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स दोनों के पर्टिकुलर शेप से साइज पाया जाता है, बट लिविंग्स हैव नैरो रेंज ऑफ डिफरेंसिज वेयर एज नॉन लिविंग्स हैव लार्ज डिफरेंसिज। लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स दोनों के पर्टिकुलर शेप से साइज पाया जाता है, बट जो लिविंग्स ने उन्होंने डिफरेंसिज नैरो रेंज के होंगे, नॉन लिविंग्स जो डिफरेंसिज आ वाइड रेंज होंगे, लार्ज रेंज होंगे। इनके लिए आप एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने को स्टोन है, स्टोन के अपने को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के साइज पाए जाते हैं, मतलब इन्हों के इन्हों का पर्टिकुलर शेप तो है, साइज भी है, बट उन्होंने डिफरेंस जोड़ा है वह लार्ज है। बट जे आप ह्यूमनस की गल करिए, ह्यूमनस के भी ह्यूमनस की भी पर्टिकुलर शेप से साइज पाया जाता है, बट उन्होंने भी डिफरेंसिज पाए जाते हैं, बट उन्होंने जो डिफरेंसिज आ बहुत ज़्यादा माइनर होंगे। ऑलमोस्ट सारे ह्यूमनस के आईज, नोज एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि लिविंग्स के भी डिफरेंसिज होंगे ने शेप के साइज के, बट वो नैरो रेंज होंगे, बट नॉन लिविंग्स के जो डिफरेंसिज पाए जाते शेप के साइज के लार्ज नंबर होंगे।